यहाँ पर जो है बच्चों ने बाजे बजा बजा कर सुबह से जो है हमारे सर में दर्द किया हुआ था, और बच्चे कहाँ सुनने वाले, खैर एक ही दिन था बच्चों का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी 14 अगस्त सबको बहुत 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 मुबारक हो मेरी तरफ से। और आज का दिन जो है काफ़ी स्पेशल है सबके लिए, हमारे लिए। और जैसे कि आज हमारी दावत है और हम लोग जा रहे हैं किसी की बर्थडे पार्टी में, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, तो हमारी कल लेट नाइट दावत आई थी बर्थडे पार्टी की, तो हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। उसके लिए मैंने ड्रेसेस निकाल ली हैं, आज की ड्रेस भी इस्त्री कर आयरन कर दी है मैंने और अपने भी कर लिए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके साथ साथ जो है बाकी तैयारी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग, मेरे साथ रहिएगा इस व्लॉग में। अच्छा, ये जो है मैंने आरिस के कपड़े भी प्रेस करके हैंग कर दिए थे, और आरिस की ब्लैक टी शर्ट के साथ मैंने ग्रे पैंट का कंट्रास्ट किया था। और ये दूसरी तरफ जो है मैंने अपने भी कपड़े जो है प्रेस कर लिए थे। 14 अगस्त के हिसाब से मैंने लिया नहीं था, बट ये हो गया था अचानक से, तो बिल्कुल सेम मैच कर रहा था। और इसके साथ मैंने ये थोड़ा सा फ्लैपर सिलवाया था, स्टिच करवाया था। तो ये थे मेरे आज के ड्रेसेस। यहाँ पर आरिज अली जो है अपने नूडल्स इंजॉय कर रहे थे, और ये आरिज अली की जो स्टडी टेबल है, इनकी डाइनिंग टेबल भी है, और इसके साथ ये अपने रोमा कार्टून जो है इंजॉय कर रहे थे। ओके, बहुत गर्म है बच्चे देख के। अच्छा, ये शाम का टाइम था और हम लोग सब चाय पीने के लिए ऊपर आए थे, और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था यहाँ पर, जो कि आप लोग को भी दिख रहा होगा मेरी वीडियो में। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा था, और ये फ्लैग तो और भी प्यारा लग रहा था ऐसे। और आरिस साहब यहाँ पर साइकिल पे कबाड़ा मचा रहे थे, यहाँ पे तबाही हो रही थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो है हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आरिस के मैंने ड्रेस निकाल के रख दिया है, और ये आरिस अली जो है अपनी फूफो से जिद कर रहे हैं, आयशा वहाँ ड्रायर चला रही है, तो आयशा आदि साहब जो जिद कर रहे हैं कि मुझे भी ड्रायर करना है। आयशा, आपको भी ड्रायर करना है, आप लड़की हो, लड़कियाँ करती हैं तो करना है आपने। ये जो है आरिज अली जो है रेडी हो चुके थे जाने के लिए पाकिस्तान। अच्छा, आरिज अली जो है रेडी हो चुके थे। आरिज अली पीछे होइए थोड़ा सा पीछे, ये ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सब कुछ दिखा के पूरी तैयारी। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप निकाल लिया है, छोटू मोटू सा मेकअप निकाल लिया, क्योंकि आरिस अली रेडी होकर जा चुके हैं और मैं अब जाने वाली हूँ तैयार होके। तो अब मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो जी गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्थडे पार्टी के लिए। मैंने बहुत ही सिंपल सा लुक क्रिएट किया है, और ये मेरा जो सूट है मैं अभी आपको अपने बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। तो अभी हम चलते हैं वेन्यू पे, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मेरे साथ रहिएगा, कुछ क्लिप्स वहाँ की भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पर बच्चे क्योंकि थोड़े से बड़े थे जिनकी बर्थडे थी, तो ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया था ख़ास, तो यहाँ पे बच्चों ने झंडियों वगैरह से सजाया हुआ था घर को थोड़ा सा ये। अच्छा, यहाँ पर जो है कैंडल किसी तरह जल नहीं रही थी, ये लोग कैंडल को जलाने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से हीली हुई थी ये फायर कैंडल जो है, और ये जल नहीं रही थी। आयशा बहुत कोशिश कर रही थी इसको जलाने की, बट ये नहीं जल के दे रही थी। बस अब इसी कोशिश में सब कोई कहता अंदर डालो, कोई कहता ऊपर ऐसे लगाओ, ये करो वो करो, पर ये किसी तरह जलकर नहीं दे रही थी कैंडल। चलो आप केक खाएंगे, अब छोड़ो इसका
तो जी गाइस, बर्थडे पार्टी से मैं वापस आ चुकी हूँ और बहुत इंजॉय किया हम लोग ने। छोटी सी बर्थडे पार्टी थी, काफ़ी मज़ा आया और थकन भी हो गई है क्योंकि सुबह के हम लोग उठे हुए हैं तो थोड़ी सी तैयारियाँ थी। 14 अगस्त भी था आज माशाल्लाह से। तो जो है मैं आ चुकी हूँ क्योंकि फूफो के घर में बर्थडे थी, उनके बच्चों की बर्थडे थी और उनका घर करीब में ही था तो मैं आ गई हूँ। अभी आरिज और बाकी लोग नहीं आए हैं तो मैं घर पर आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कमरा समेटना था अपना, वरना बच्चे आ जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कहा मैं जल्दी से अपना चल के रूम समेट लूँ फिर आप लोगों से और आप लोग को अल्लाह हाफिज़ भी कह दूँ, इससे पहले काफ़ी देर हो जाए। तो आज का जो भी व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।